हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूज़फुल किचन टिप। तो चलिए हम चेक करते हैं। पहली टिप में मैं बताऊंगी दाल को हम कीड़े से कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहले इन दालों को हमें अनपैक कर लेना होगा। तो दाल को अनपैक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक साफ सा कंटेनर ले लिया है और इसमें मैं सारी दालें अनपैक करूँगी। ये मैंने अरहर की दाल को इस कंटेनर में ले लिया है और इसी तरह मैं बाकी सारी दालें जैसे वाइट चना हो गया, ब्लैक चना, मूंगफली, इन सारी चीज़ों को हम इस कंटेनर में ले लेंगे और फिर इन कंटेनर को हम इनकी जगह पे लगा लेंगे। तो ये देखें, ये दालें मैंने सारी जगह पे लगा ली है, लेकिन आपने ये देखा कि मैंने दालों को कवर नहीं किया, इस पर मैंने इस लिड नहीं लगाया। कुछ डब्बों पर मैंने लिड लगाया हुआ है, पर लगभग दालें, वाइट चना, मूंगफली, ये सारी चीज़ें मैंने खुली रखी है। आपने हमेशा देखा होगा जब भी आप ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं तो जितनी भी दालें होती हैं, चावल होती है, या तो वो बोरी में होती है और बोरी ज़्यादातर खुली होती है। दालें सारी बिल्कुल फ्रेश होती है, कोई भी कीड़ा नहीं होता। तो आप भी इस स्टेप को ज़रूर ट्राई करें, आप खुला रखें, इसमें कभी भी कीड़ा नहीं लगेगा। पर जैसे राजमा होता है, राजमा में कीड़ा नहीं लगता, पर राजमा को 6 महीने के बाद आप यूज़ करेंगे तो वो कभी नहीं गलेगा। और ये सारे गरम मसाले इसे मैंने कवर करके रखा हुआ है। तो ये देखें, चावल बिल्कुल हमारा फ्रेश है। इसमें एक छोटा छोटा ब्लैक सा कीड़ा होता है, ये बिल्कुल भी इसमें नहीं है। तो इसी तरह मैंने इसे खोल के रखा है और इसकी बोरी को भी मैंने खोल के ही रखा हुआ है। थोड़ा चावल इसमें से मैंने निकाल लिया है और निकालने के बाद बोरी को इसी तरह से मैं इस तरह फोल्ड करके रख देती हूँ और बिल्कुल भी इसमें कीड़ा नहीं लगता। ये काफ़ी मेरा 8-9 मंथ आराम से रहता है। ये चीनी है, चीनी को आप खुला नहीं रह सकते, बस इसमें 2 से 3 पीस आप लौंग के डाल लें और फिर इसे कवर करके आप रहने दें। बिल्कुल भी चीनी में चीटी या चीनी हमारे सीलेगी नहीं। तो ये रहे दाल को स्टोर करने के आपके टिप्स। ये रही दूसरी टिप, दूध को बॉयल करने से पहले पतीले को थोड़ा पानी से इस तरह से निकाल लें, फिर इसमें हम दूध को बॉयल करेंगे। फ्लेम को बिल्कुल हम स्लो रखेंगे और पतीले को पानी से निकालने से जो दूध नीचे जल जाता है वो जलेगा नहीं, और स्लो फ्लेम पर दूध को बॉयल करने से दूध कभी उबलेगा नहीं। तो ये देखें, पतीला बिल्कुल भी क्लीन है, नीचे से ज़रा भी दूध नहीं जला है। तीसरी टिप में बताऊँगी अनार को बहुत ही आसानी के साथ पील करना और इससे सीड को बाहर निकाल लेना। तो सबसे पहले अनार को हम अच्छे से पील कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने इसे पील कर लिया है और अब बस इसे हमें इस तरह से बीच से कट कर लेना है, और कट करने के बाद आप इसे इस तरह से पलट लें और आप देखेंगे बहुत आसानी के साथ ये सारे दाने से बाहर आ जाएंगे। तो बहुत जल्दी ये सारा दाना बाहर आ जाता है। और ये चौथी टिप है, इसमें हम बताएंगे जब हम अंडे को बॉयल करते हैं तो अंडे में क्रैक आ जाता है, तो उससे बचने के लिए आपको करना ये है कि अंडा बॉयल करने के टाइम 1 स्पून आप इस तरह नमक डाल लें, फिर इसे कवर कर दें। आप देखेंगे अंडा बिल्कुल भी नहीं टूटेगा और इसका छिलका निकालना भी बहुत आसान होगा। बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हैं छिलका इसका बाहर आ रहा है। और पांचवी टिप हमारी ये है कि जब हम अंडे को बॉयल करते हैं तो एक बार इस तरह से स्पून से अंडे को आप हल्के हाथों से घुमा लें। इससे घुमाने से ये होगा कि अंडा का योक बिल्कुल आपका सेंटर में आएगा। ये देखें, बिल्कुल ये सेंटर में आ गया है। तो छठी टिप मैं बताऊँगी पपीते को आप कैसे स्टोर कर सकते हैं। कई बार इतने बड़े पपीते को कंज्यूम करना मुश्किल हो जाता है और अगर आपने कट करके रखा तो उस पर एक लेयर सी बन जाती है। तो आपको करना ये है कि पपीते को आप कट कर लें और इसे स्टोर करने के लिए आप किसी भी एयरटाइट कंटेनर में पपीते को आप रख सकते हैं और इसे कवर करके आप इसे फ्रिज में रख लें। ये कई दिनों तक ख़राब नहीं होता और जब आपको कंज्यूम करना हो आप 1 या 2 घंटा पहले इसे बाहर निकाल लें, पपीता हमारा फ्रेश रहेगा। और सातवीं टिप मैं बता रही हूँ, जब तवा हमारा काफ़ी पुराना हो जाता है तो बिल्कुल रोटी चिपकने लगती है, इसके लिए करना ये है आपको गर्म तवे पे आप 2 से 3 ड्रॉप ऑयल का डालें और किसी भी गीले कपड़े से इसे पोंछ लें, तो आप देखेंगे रोटी हमारी कितनी अच्छी और फूली फूली बनके तैयार होगी। और आठवें टिप में मैं बता रही हूँ लहसुन को आसानी से छीलने का तरीका। तो सबसे पहले लहसुन को हमें इस तरह से अलग कर लेना है और अलग करके इसे हम रखेंगे एक माइक्रोवेव सेफ बाउल में। तो ये देखें, ये लहसुन को मैंने थोड़े लहसुन को अलग कर लिया है और इसे हम इस तरह से खुला माइक्रोवेव नहीं करेंगे, किसी भी माइक्रोवेव सेफ लिड से इसे हम कवर करेंगे और कवर करने के बाद 10 सेकंड के लिए इसे हम माइक्रोवेव कर लेंगे। लिड लगाने से ये फ़ायदा होगा कि
कि लहसुन की स्मेल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। अगर इसे हमने खुला डाला तो पूरे माइक्रोवेव में लहसुन की स्मेल बन जाएगी, तो इसलिए इसे आप इस तरह से कवर करके माइक्रोवेव करें। और ये देखें, ये हमारा माइक्रोवेव हो गया है और अब इसे हमें बस छील लेना है। तो देखें कितने आसानी के साथ इसका छिलका बाहर निकल रहा है। तो इसे आप चाहें तो नाइफ के हेल्प से भी छील सकते हैं, और जिनके पास माइक्रोवेव नहीं है वो इसे चाहें तो तवे पे भी कर सकते हैं। और इस तरह से आप लहसुन की पीसेस को किसी भी नाइफ से अच्छे से प्रेस करेंगे तो देखें कितने आसानी के साथ ये भी निकल रहा है। अच्छी लगी आपको ये हमारी टिप, आप मेरे इन सारे टिप को ज़रूर फॉलो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।